उपराजधानी में व्यापारी ऋषि खोसला की हत्या के मामले में शामिल चार अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा है। इन आरोपियों के पास से तीन पिस्तौल, कारतूस और दो चाकू बरामद हुए हैं। ये अपराधी मर्डर के सुपारी पैसों के लेन देन को लेकर आपस में उलझ गए थे, जिसके बाद हथियार लेकर एक आरोपी के घर पहुंचे और धमकाने लगे। शिकायत मिलने के बाद हमने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की और उन्हें एक कार में पकड़ा। तलाशी के दौरान उनके पास हथियार मिले, जिससे संकेत मिलता है कि ये लोग किसी बड़ी वारदात की तैयारी में थे। पकड़े गए आरोपियों में आजाद नगर निवासी कुणाल हेमने, श्रावण नगर निवासी विशाल गुप्ता, पीएम आवास निवासी सुचित खड़े और खैरी निवासी कुलदीप सिंह बावरी का नाम सामने आया है। पुलिस ने इन्हें हिंगना इलाके से गिरफ्तार किया है। इनके पास पिस्तौल कहाँ से आई, इसकी जाँच की जा रही है। बताया जा रहा है कि 2019 में मिक्की बख्शी के कहने पर ऋषि खोसला की हत्या की गई थी, जिसमें इन अपराधियों ने लाखों रुपए की सुपारी दी थी। अब सुपारी के पैसे में से 10,000 रुपए को लेकर विवाद खड़ा हुआ, जो इस घटना की वजह बना। पुलिस स्टेशन वाथोड़ा में 13 तारीख के अर्ली मॉर्निंग के समय एक 514/2024 गुना दाखिल हुआ है अंडर सेक्शन 352, 351 कोट कलम 2 VNS। इसमें प्रकरण ऐसा हुआ कि एक रिपीट ऑफेंडर नाम आरिफ, ये फिरियादी बन के पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दिया है कि उससे दूसरे एक ग्रुप ऑफ रिपीट ऑफेंडर्स ने पैसे का डिमांड किया, कुछ शस्त्र हथियार का धाक दिखा के। तो ये कंप्लेंट हमने लिया एंड इसमें पुलिस स्टेशन वाथोड़ा के DB टीम ने तुरंत एक्शन मोड में जाके कुछ आरोपी को कस्टडी में लिया है, जिसका नाम कंप्लेनेंट ने दिया और जिसका नाम वो दे नहीं पाया उसको भी डिटेक्ट करके हुलिया बताने पर कस्टडी में लिया। उसने फिरियादी ने कंफर्म किया कि वो भी था प्रेजेंट। ऐसे पांच लोगों के अगेंस्ट कंप्लेंट आया था, उसमें से एक अफसर नाम का आरोपी अभी फरार है और तीन जोन 4 का, 2 DB टीम, एक स्टेशन वाथोड़ा का और एक नंदनवन स्टेशन का, दोनों उसके परस्यूट में है और वो जल्दी मिल जाएगा। एंड इनिशियल इन्वेस्टिगेशन पे ये पता चला कि जो गाड़ी यूज किया वो डिटेक्ट करके, जो गाड़ी में पांचों आरोपी आके कंप्लेनेंट को धमकी दिया वो गाड़ी डिटेक्ट किया, वो वरना गाड़ी है और उसको जैसे ही जब्त किया प्रॉम्प्टली DB टीम ने, उसमें से शस्त्र मिले एंड एक लाइव राउंड गाड़ी के सीट कवर में मिला और एक राउंड पिस्टल में मिला। ऐसे हमको तीन फायर आर्म्स एंड 2 शार्प पॉइंटेड नाइफ वेपन्स मिले हैं विथ 2 राउंड्स, एक राउंड गाड़ी के सीट कवर में एंड एक राउंड इनसाइड द बैरल ऑफ 1 फायर आर्म। सो ये क्राइम में जो फिरियादी है वो भी एक रिपीट ऑफेंडर है और जो पांच आरोपी है उसमें से 3 हमारे ही जोन के ऑन रिकॉर्ड रिपीट ऑफेंडर से, एक मोस्ट प्रोबेबली वर्धा का एरिया का रिपीट ऑफेंडर है, उसका रिकॉर्ड अभी हम चेक कर रहे हैं, एंड एक फिफ्थ आरोपी भी है सुजीत नाम का, वो उसका कोई अभी तक रिकॉर्ड मिला नहीं है। सो इसमें जो रिपीट ऑफेंडर्स है उनका प्रीवियस कनेक्शन विथ फिरियादी ऐसा है कि ये एक ही जेल में रह चुके हैं प्रीवियसली। फॉर एग्जांपल कुणाल हिमने ये अपने फिरियादी आरिफ के साथ 2019 का एक मर्डर केस में रहा था जेल में साथ में, उस केस का उसका को अक्यूज्ड भी रहा था। सो उनका प्रीवियस एसोसिएशन ये है और कंप्लेंट के हिसाब से उस मर्डर केस में जो सुपारी रिलेटेड पैसा है वो डिमांड करने आया है, ऐसा फिरियादी का कहना है। बट दिस इज करेंटली अंडर इन्वेस्टिगेशन, एक्चुअल डिमांड किस चीज के लिए है ये हम जो टेक्निकल एविडेंस हमने गैदर किया है और जो हमको अभी पुलिस कस्टडी मिला है जस्ट अभी ऑफ
अ फ्यू डेज, उसमें इंटरोगेशन के थ्रू हम ज़रूर टेक्निकल एविडेंस एंड इंटरोगेशन का एविडेंस दोनों कोराबोरेट करके कंक्लूड करेंगे कि एग्जैक्टली इनका क्या लेना देना था, पैसों का डिमांड का क्या रूट रीज़न था। ये जैसे मैंने बोला इस केस में जैसे वेपन्स मिले थे और इस केस का जो रिपीट ऑफेंडर्स है इनका और भी इलीगल बिजनेसेस है, एंड जो इससे प्रीवियस मर्डर में जो सुपारी का पैसों का एक्सचेंज हुआ है, इन तीनों में से एग्जैक्टली ये पैसा का डिमांड किसका है पहला ये कंफर्म करना ज़रूरी है। फिर अगर उसमें ये कंक्लूजन में हम पहुंचेंगे कि हाँ ये सुपारी का ही डिमांड के लिए पैसा का डिमांड हो रहा है, तो फिर कितना बाकी है, कितना एक्सचेंज हुआ, फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा, बट जो रूट कॉज है वो पता करना अभी बाकी है। ये जो आर्म्स है कल लेट नाइट में सीज हुए हैं और अभी जस्ट पुलिस कस्टडी मिला है फ्रॉम ऑनरेबल कोर्ट, तो इट इज़ अप टू फर्दर इन्वेस्टिगेशन कि ये वेपन्स कहाँ से आए हैं। अभी ऑन रिकॉर्ड एविडेंस नहीं है टू फाइंड आउट कि वेपन्स एग्जैक्टली कौन लेके आए हैं इस गाड़ी में, मल्टीपल ऑफेंडर्स लेके आए हैं या किसी एक का। एज ऑफ नाउ हमारे इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अक्यूज नंबर 3 जो विशाल है, जो ऑन रिकॉर्ड क्रिमिनल है, वो लेके आया, बट इट इज़ अप टू फर्दर इन्वेस्टिगेशन कि किस किस का कौन सा वेपन है इसमें, शार्प वेपन्स किसका है, फायर आर्म्स किसका है, देशी कट्टा किसका है, ये पता करना अभी बाकी है। राइट, सो अकॉर्डिंग टू द कंप्लेनेंट 12 अक्टूबर तारीख को उसके एरिया में ये लोग आए और उसको एक जगह पे बुलाए और वहाँ पे पैसों का डिमांड किया, बट इनके एसोसिएशन और इनके एक्टिविटीज और इनके पैटर्न के मुताबिक वी डाउट, पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का ये अंदाज़ा है कि उन्होंने कहीं तो बैठ के कॉन्स्पिरेसी किया होगा और ये डिमांड इससे पहले से ही शुरू हुआ होगा, वो उनका कॉल रिकॉर्ड्स एंड अदर टेक्निकल एविडेंस से हमको जल्दी ही विद इन पुलिस कस्टडी का टाइम ऑफ इंटरोगेशन पता चल जाएगा। इसमें से एक आरोपी अभी भी फरार है, सो वो डिटेल्स अभी बोलना इट्स नॉट राइट क्योंकि वी आर स्टिल परस्यूइंग हिम और वहाँ से उसको अलर्ट नहीं करना चाहते हैं, सो दैट विल कम लेटर आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन इज ओवर। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।